तो दोस्तों काफ़ी क्वेरीज ऐसी आई हुई है जिसमें कि आप लोगों ने स्टोर ओपन ही किया है कि वो सस्पेंड हो गया, या तो साइनअप के बाद कुछ नोटिफिकेशन आया ही नहीं एचसी की ओर से, कॉल आया लेकिन एचसी ने आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं किया, वो सस्पेंड कर दिया, या तो स्टोर आपका चल रहा था और सस्पेंडेड हो गया, या तो आप अकाउंट साइन अप ही नहीं कर पा रहे हो, या वो कैसे भी करके एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो पहला तो मैं यही आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपका एक अकाउंट है और सस्पेंडेड हो गया है तो बिल्कुल आप दूसरे कोई मोबाइल से सेम डिटेल्स दे के अकाउंट ना खोलें, ये थंब रूल है। आप सेम डिटेल्स दोगे और दोबारा से एक अकाउंट खोलने की कोशिश करोगे दूसरे एक ईमेल एड्रेस से, तो वो आप बिल्कुल मत करें, क्योंकि एचसी के पास इट्स अ मल्टी मिलियन डॉलर डॉलर कंपनी। आपके पास 10, 15, 20 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ हो सकता है, उन लोग के पास करोड़ों का पैसा है। वो लोग उन लोगों के पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं या ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आपकी सिमिलरिटी को ढूंढ लेते हैं, चाहे आपका ईमेल अलग हो, बाकी सब चीज़ें वो ढूंढ लेता है आपका, जैसे कि प्रोडक्ट लिस्टिंग, क्या आप प्रोडक्ट कर रहे हो, ऐसे टाइप के कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, किससे सिमिलर है वो प्रोडक्ट्स, पहली बात तो ये। दूसरी बात है आप जो डिटेल्स डालते हो अपने पेपाल का, या अपने कार्ड डिटेल्स, या अपना पर्सनल डिटेल्स, बिलिंग एड्रेस जो भी, या आपका लोकेशन, वो भी उनके पास ऑलरेडी रहता है, तो वो मैच कर लेते हैं, पता लग जाता है उनको ये सेम बंदा है, दूसरे ईमेल एड्रेस से आने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो ब्लॉक कर देते हैं, उसको अनब्लॉक नहीं करते हैं। सेवरल रीजंस हैं कि वो क्यों ब्लॉक करते हैं। देखिए, पहली बात आपको ये समझना है एचसी क्या है। एचसी एक ऐसी वेबसाइट है जो कि लोगों के लिए बनाई गई है, उन लोगों के लिए जो कि आर्टिस्ट हैं, खुद अपना घर में कुछ ना कुछ कर रहे हैं और बेच रहे हैं। इट कैन बी यू नो क्ले आर्ट, पेंटिंग्स। अभी एक भाई की मैसेज आई थी इंस्टाग्राम पे कि उन लोग की उनकी एक पेंटिंग की शॉप है जो एचसी ने कभी एक्टिवेट किया ही नहीं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप अगर आप कुछ सामान मार्केट से खरीद रहे हो और उसको बेचने की कोशिश कर रहे हो एचसी पे, तो दे इफ दे हो सकता है वो एक्टिवेट हो गया हो सकता है आप बिजनेस भी कर रहे हो, लेकिन एचसी को जब पता लगेगा वो तुरंत आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, या बैन कर देगा, या सस्पेंड कर देगा। या तो पहले से उनको पता रहता है, जब भी आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग देखते हैं या कुछ भी आपसे बात करते हैं, उनको पता लग जाता है कि आप क्या कर रहे हो, तो वो उसको कभी एक्टिवेट नहीं करेंगे। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपने जब साइन अप कर लिया और जब एचसी का कॉल आता है आपको, चाहे आप किसी और से काम करवा क्यों ना रहे हो, आपको ये बताना है कि आप खुद ये काम करते हो, आपके कोई स्टाफ नहीं है। अगर भी आपके स्टाफ हैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। मान के चलिए आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हो और वहां पे आप बताओगे कि नहीं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं जो कि जो भी लोगो डिजाइन करते हैं। फैमिली मेंबर्स यानी कि आपका भाई, आपका बहन हो सकता है, या आपके कजिन्स हो सकते हैं आपके साथ, ऐसा नहीं आपके पापा मम्मी या चाचा चाचू या मामा मामी कर सकते हैं, वो नहीं हो सकता, तो वो आपका अकाउंट को एक्टिवेट नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको हमेशा यही बोलना है एचसी को, आप जो करते हो खुद करते हो और आपके फैमिली के अंदर ये बिजनेस है। जैसे कि मान के चलो आप कोई पॉटरी का काम करते हो, जैसे मिट्टी के मूर्तियाँ होती हैं जो भी होती है, या तो आप एक आर्किटेक्ट, जैसे आप पत्थर का काम करते हो, ठीक है, या तो आप जूट का कोई एक अच्छा हैंडीक्राफ्ट का काम करते हो, तो जब भी एचसी का कॉल आएगा आपको ये बताना है कि आपकी फैमिली बिजनेस है ये, आप पुरखों से करते आ रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने ये आउटसोर्स किया हुआ है, बाहर के बंदों से आप काम करवाते हो उसको लाके बेचते हो, नहीं, आपको ये नहीं बोलना है, चाहे वो आपका दोस्त का प्रोडक्ट क्यों ना हो, चाहे आप मार्केट से खरीद के क्यों ना लाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ मार्केट से खरीद के लाते हो और उसको बेचना चाहते हो, तो पहले आप रिवर्स सर्च कर लो कि वही सेम आइटम अवेलेबल है या नहीं एचसी पे, क्योंकि एचसी पे ऑलरेडी वही सेम आइटम अवेलेबल होगा, तो वो उनको पता चल ही जाएगा, तो वो आपका कभी एक्टिवेट नहीं करवाएंगे। जैसे काफ़ी सारे इयररिंग्स बिक रहे हैं अभी एचसी पे, जो पहले से साइन अप कर गए तो कर गए, उनके पास ऑलरेडी स्टॉक है, उनके पास इन्वेंट्री है, उनकी उनकी रेटिंग अच्छी है, तो वो कभी बंद नहीं होने वाला, क्योंकि उससे एचसी को पैसा मिलता है, उनका अच्छा स्टैंडिंग है उनके स्टोर का। आप तो नए हो और वो ये प्रोमोट नहीं कर रहे हैं, एक भी अगर आपका एक्टिवेट भी हो जाता है और एक भी गंदा रेटिंग आ जाता है, तो तुरंत आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है।
तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि ओरिजिनल चीज़ें ही बेचिए, मार्केट में जो मिल रही है उसको लेके यहाँ बेचने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको मार्केट की चीज़ें बेचना है तो आप ईबे पे जाके बेचिए, वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। विजिटिंग कार्ड्स, रिज्यूमे और ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले जो बंदे हैं, ऑब्वियसली बात है ये आप खुद करते हैं या मैक्सिमम आपका एक ग्रुप होगा जो ये काम करता है। आपको एज एन इंडिविजुअल साइन अप करना है और इंडिविजुअली ही इसको अपलोड करना है काम को। अगेन यू हैव टू टेक ओनरशिप ऑफ योर ओन प्रोडक्ट, इट शुड बी 100% जेन्युइन। ऐसा नहीं कि आपने एचसी पे ऑर्डर उठाया, फाइबर पे उसको डाल दिया, फाइबर से आपने हायर किया किसी को, बीच से कमीशन कमा लिए। एचसी को ये बात भी पता है, बहुत सारे लोग ये करते हैं, इवन फाइबर पे ये सारा काम बहुत सारा चलता है। फाइवर पे लोग पोस्ट करते हैं कि मैं भाई ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, काम करवा लेते हैं freelancer.com से। तो दैट कम्स टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जो भी आप जो टाइप का भी ग्राफिक आप करते हो, चाहे वो एड बनाते हो या इंट्रो बनाते हो या एडवर्टाइजमेंट बनाते हो, छोटा क्लिप जो होता है एडवर्टाइजमेंट का, इट शुड बी 100% ओरिजिनल एंड इट शुड बी योर कंटेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो तभी आपका ये जो स्टोर है ये अप्रूव हो पाएगा। अगर आप क्रिएटिविटी फील्ड में हो तो आप अपना क्रिएटिविटी यूट्यूब पे डाल सकते हो कि कैसे आप चीज़ें बनाते हो, कैसे कितना टाइम आपको लगता है, एज ए डिटेल्ड वीडियो बना सकते हो। और तब जब एचसी वालों का कॉल आएगा तो आप वीडियो शेयर कर सकते हो उनके साथ, आप देख लीजिए हम लोग ऐसे काम करते हैं, ये बंदे हैं, हम लोग ऐसे बैठते हैं, इतना टाइम लग जाता है काम पे। ये सब आप करोगे तो आपका स्टोर कभी भी बंद नहीं होगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका स्टोर अभी तक एक्टिवेट हुआ नहीं है तो आपको क्या करना है। जैसे मैंने पहले बताया था कि दूसरा कोई आपको डिवाइस एक लेना है जिसका ब्रॉडबैंड से कनेक्शन ना हो, वाईफाई से कनेक्शन ना हो, डेटा पे चलता हो। और नया अगर फ़ोन है तो बहुत बढ़िया है, कभी भी उसको पेयर मत कीजिएगा आपके दूसरे फ़ोन के साथ जिसमें एचसी का अकाउंट आपने साइन अप करने की कोशिश की थी। नया डिटेल्स डालिए जो कि अपना नहीं होना चाहिए, आपका अपना कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप किसी और के डिटेल्स से अकाउंट खोल सकते हो, अपने घर वाले कोई भी रिलेटिव के अकाउंट से आप अकाउंट खोल सकते हो। जो डिटेल्स ऑलरेडी पहले आपने यूज़ की हुई हो, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो गया, ड्राइवर लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गए, पेपैल डिटेल्स हो गए, ये सेम नहीं होना चाहिए। आपको नए तरीके से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, तब भी लोग वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हैं, क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो ये वीडियो सॉरी ये जो प्रोडक्ट है आपका, जो नया स्टोर है, ये एकदम स्टैंड अलोन नए से बनाना पड़ेगा। और भी अच्छा होगा कि अगर आपका एक ट्रेडमार्क हो, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का एक्नॉलेजमेंट दे दीजिए, वो भी सही रहेगा आपके लिए। अगर इंडिविजुअल्स नहीं है तो पार्टनरशिप डीड बना लीजिए, 500-600 रुपया खर्चा होगा उसमें। पार्टनरशिप डीड दे के आप एक नया पैन कार्ड बनवाइए, उसमें 200-300 रुपये खर्चा होगा, जीएसटी निकलवा लीजिए, 100-200 रुपये, 300 रुपये अगर आप सीए से बनवाते हो, खुद बनवाते हो तो फ्री में हो जाएगा। और फिर ये सब डिटेल्स निकालने के बाद आप स्टोर बनवाइए। इससे क्या होगा ना, आपका स्टोर बंद नहीं होगा, सस्पेंड नहीं होगा, आपको कॉल आएगा तो आप बोलोगे कि ये मेरा खुद का प्रोडक्ट है तो चलेगा। ये एक ऑप्शन है। तो दैट्स प्रिटी मच ऑल अबाउट इट। अगर तब भी ये सब करने के बाद भी अगर आप आपका अकाउंट बंद हो रहा है तब मुझे टेक्स्ट कीजिए, हम लोग बैठ के एनालाइज करेंगे आपके स्टोर के साथ हुआ क्या है, आपके जितने सारे कम्युनिकेशन हैं उसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कहाँ गलती हो रही है, क्या नहीं हो रही है। इसके लिए मैं एक फ़ीस चार्ज करता हूँ, छोटा मोटा फ़ीस होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, इतनी कॉस्टली भी नहीं होती है, तो वो ट्राई आउट कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं जो ये फ्री के एडवाइसेस दे रहा हूँ ये ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं बनाने वाला हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, कैसे आपकी प्रोडक्ट टॉप रैंकिंग पे आएगी, कैसे एचसी का एल्गोरिदम काम करता है। तो वीडियो को अगले वीडियो को ज़रूर देखिए। थैंक यू।